to my channel. It's Zeal Beauty Parlour Cum Training Center. Today we are going to do hair spa, L'Oreal hair spa. As you can see, she is my beautiful client and she has lot of dandruff. So I will be starting with giving her first high frequency for 3 to 4 minutes. You can see that I am using this Beauty Basic Beauty Beyond high frequency machine on her hair for near about 4 minutes. This helps in reducing her dandruff, and actually today I'm going to give her a detoxifying hair spa. Actually it helps to reduce toxins as well as it helps in reducing her dandruff. You can see that she has loads of dandruff. I can say not lot but loads of dandruff. हम बाद में भी आपको आफ्टर रिजल्ट दिखाएंगे, क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे कि मैम आप बिफोर एंड आफ्टर दिखाइए. ये देख लीजिए इनका बिफोर रिजल्ट्स, इनका कितना सारा डैंड्रफ है. एंड मैं इनको इसी तरह सेक्शन करके आफ्टर रिजल्ट्स भी दिखाने वाली हूँ. डैंड्रफ होने के कई कारण हो सकते हैं, उसमें एक खास कारण ये हो सकता है कि पोल्यूशन. आजकल कॉलेज गोइंग गर्ल्स व्हेन दे कम आउट फॉर गोइंग टू कॉलेज दे विल बी फोकसिंग टू द ट्रैफिक, एंड ट्रैफिक जैम्स की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन होता है जो स्मोक पोल्यूशन कहलाया जाता है. एंड कभी कभी वाटर में आयरन या क्लोरीन ज्यादा होने की वजह से भी हेयर ड्राई डैमेज एंड बहुत सारा डैंड्रफ आ जाता है. सो विद बाय डूइंग दिस स्पा यू आर नॉट ओनली रिमूविंग द डैंड्रफ बट ऑल्सो इंक्रीजिंग द ब्लड सर्कुलेशन, एंड स्पा इज काइंड ऑफ प्रोटीन टू द हेयर. आई कैन से दैट ये जिस तरह हम पेट के लिए खाना खाते हैं, इस तरह अपने बालों के लिए एक फूड प्रोविजन हो सकता है. एंड स्पा मंथली कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द हेयर. इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकते हैं, 15 डेज में भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल वेल नरिश्ड रहे. तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं. High frequency for the hair is already given, and now I want to show you once again the condition of the hair. You can see from the top to bottom, all the hair is like hair तो है लेकिन बहुत बेजान से बाल हैं. यहाँ से देख सकते हैं आप, इनके बालों में बिल्कुल जान ही नहीं है. सो अभी हम इनका हेयर स्पा स्टार्ट करेंगे. हेयर स्पा में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम इनको डिटॉक्सिफाइंग हेयर स्पा शैम्पू से शैम्पू करेंगे. खाना में स्टार्ट करते हैं. हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब हम इनको डिटॉक्सिफाइंग शैम्पू हेयर स्पा शैम्पू यूज़ करने वाले हैं. पहले हम बालों को थोड़ा सा गीला कर लेंगे, उसके बाद शैम्पू को हाथ पे लेके एक लेदर कर क्रिएट करेंगे, एंड दैट वी विल बी अप्लाइंग ऑन टू द स्कैल्प. अच्छे से मसाज करते हुए शैम्पू को अच्छे से शैम्पू कर लेंगे. हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, अभी हम इसको टॉवल ड्राई करेंगे. मीनवाइल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने लॉरियल का स्मूथिंग क्रीम लिया है एंड हाइड्रेटिंग कॉन्सेंट्रेट से हमने मिक्स करके रख लिया है, एंड अब ये अभी इनके बालों पे सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई करेंगे. हेलो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने हेयर को 4 सेक्शंस पे डिवाइड कर लिया है, एंड स्मॉलर सेक्शंस लेते हुए सारे क्रीम लगाएंगे एंड उसको पूरे बालों पे अच्छे से एमल्सिफाई करेंगे. एंड ये क्रीम अगर स्कैल्प पे लग जाता है तो इससे कोई हानि नहीं होता है. सो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा कोई रूल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इसको स्कैल्प पे लगने नहीं देंगे. जैसे हम स्ट्रेटनिंग में करते हैं कि 1/2 इंच छोड़ के बालों को लगाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है. यू कैन इजिली डू अप्लाई ऑल ओवर द लेंथ ऑफ योर हेयर. फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हैं आप, होल सारे बालों पे इनका एप्लीकेशन हो गया है.
अभी हम इसको अच्छे से डीपली मसाज करेंगे। अच्छी तरह से मसाज करेंगे। इस मसाज से इनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा एज वेल एज अगर एक दो बाल अगर बाय चांस छूट भी गया है उसको भी अच्छे से स्पा का क्रीम लग जाएगा। कंप्लीटेड हर हेड मसाज, मैंने अभी अभी इनका हेड मसाज कंप्लीट किया हुआ है। अब हम इनका बैक मसाज करेंगे। बैक मसाज करने के पहले मैं इनके बालों को थोड़ा सा सिक्योर कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ क्लिप। एंड मैं अभी समझ सकती हूँ फ्रेंड्स के एक बात ये है कि हम अभी क्रीम लगा चुके हैं तो एक क्लिप से तो सिक्योर होने वाले हैं नहीं इनके बाल, तो हम इनको डबल क्लिप लगा रहे हैं। एंड नाउ वी विल बी गोइंग टू मसाज हर ऑन द बैक, जहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हम थोड़ा सा प्रेशर देके मसाज करेंगे। इससे दो चीज़ होता है, जैसे स्टूडेंट हैं ये मेरी क्लाइंट, इनका बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन होता है एंड एग्जाम्स आर कमिंग अप, एग्जाम्स का बर्डन होता है, तो इससे एकदम अच्छे से रिलैक्स होता है एंड एक हम क्विक रिलैक्सिंग मसाज भी देने वाले हैं। फ्रेंड्स इनका मसाज हो चुका है, अब हमने इनको स्टीमिंग के लिए बिठा दिया है। ये स्टीमर है मेरे पास, आप देख सकते हैं मैंने 20 मिनट्स का टाइम सेट किया हुआ है एंड ये ऑलरेडी स्टीमिंग पॉइंट पे है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्टीमिंग आ रहा है एंड ये स्टीमिंग हम 15 to 20 मिनट्स के लिए लगा देंगे। स्टीमिंग रियली हेल्प्स इन डीपली पेनेट्रेशन ऑफ द क्रीम, ये अच्छे से क्रीम इनके बालों में पेनेट्रेट कर लेगा एज वेल एज इट इंक्रीजेस द ब्लड सर्कुलेशन। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं स्टीमिंग हो चुका है, अभी हम इनके हेयर को अच्छे से वॉश करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इनके बाल कितने सिल्की सॉफ्ट हो गए हैं। एंड जहां तक रहे डैंड्रफ का सवाल, ब्रिंग द कैमरा क्लोजर, क्लोजर लाइए, 2x में कीजिए, ये देख लीजिए फ्रेंड्स थोड़ा भी डैंड्रफ नहीं रहा इनके बालों में, कोई भी सेक्शन खोल लूं मैं नो डैंड्रफ। आप चाहे बीच का खोल लीजिए या पीछे का खोल लीजिए, कहीं का भी खोल लीजिए, डैंड्रफ नहीं है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिटॉक्सिफाइंग लॉरियल हेयर स्पा।